आपको बता दें कि आज हम तेल आटा भाव के लिए हमने मोदी को नहीं चुना है, हमने जिस काम के लिए मोदी को चुना है वो काम बखूबी हो रहा है। G20 शिखर का सम्मेलन में जाने के बाद आज वो सर्वोपरि नेता मांगे है ना। और आप आम की तुलना कद्दू से नहीं कर सकते हो, आम की तुलना आलू से नहीं कर सकते हो, इसलिए हर व्यक्ति अलग महत्वाकांक्षाएं होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री पद पर बैठने पर। नो डाउट कि जिनको कहा जाता चाचा नेहरू, भाई एक बात बताइए आप किसके चाचा हो यार? आप जिसके चाचा हो गए एडमिना के पैरों में बैठने वाला हमारा चाचा है क्या? जिसकी सिगरेट पेरिस से आती हो मेरा चाचा है क्या? जिसके कपड़े धुलने पेरिस जाते हो मेरा चाचा है क्या? अरे मेरा चाचा जानते कौन था? भगत सिंह, मेरा चाचा सुखदेव राजगुरु है ना, मेरा चाचा था वो चंद्रशेखर आजाद। एक आदमी जो बकरी पाल के बकरी का दूध पीता रहा जिंदगी भर, अगर वो चाहता वो अंग्रेजों से मिलने जानते किस में जाता था? बग्घी में बैठ के जाता था। आज वो बकरी की दोरी है ना वो लगाई हुई है दिल्ली के उधर, और वो जो गले में फांसी लगाई थी ना वो दोरी किधर भी नहीं दिख रही है। भगत सिंह के गले को चूमने वाला वो फांसी का फंदा आपको किसी म्यूजियम में नहीं मिलेगा, और गांधी की बकरी का फंदा आपको म्यूजियम में मिलेगा। भाई साहब गांधी, अगर मैंने कहा आपने बंटवारा किया, सर्वसम्मति से एक परिवार का भी बंटवारा हो जाता है, लेकिन बंटवारे के बाद अपने अपने दायरे निश्चित हो जाते हैं। तुमने देश के लिए क्या किया? आपने देश के लिए क्या किया? आपने कहा मैं आजादी की लड़ाई लड़ी, ये वही गांधी है जिसने क्या कहा था कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भाई साहब रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहीं पर नहीं है, ये तो गांधी की देन है। आप हमसे कह रहे हो कि हम भाई भाई हैं, हम तो भाई हैं, लेकिन सामने वाला तो हमको भाई माने। 370 रटने के बाद में कभी आपने लाल चौक पर तिरंगा फहराते देखा किसी को? नहीं देखा। अब की बार वहां की जनता ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि 370 हटने के बाद हमें एक फायदा बता दीजिए, जो फायदा हुआ जनता को। देखो कौन राहुल गांधी, किस राहुल गांधी की बात कर रहे हो? जो किलोमीटर और मीटर में अंतर ना बता पाए, जो आदमी अगर 12 मिनट से अधिक बोल जाए तो पता ही नहीं चलना क्या बोल रहा उसको है ना, ऐसे व्यक्ति को आप तवज्जो दे रहे हो, क्या उससे योग्य नेता कांग्रेस के अंदर नहीं है? मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर योग्यता की कमी है, देश आज ये जो दिल्ली देख रहे हो ना, ये दिल्ली जो है कांग्रेस की चमक की देन है। इस पर कब्जा कोई भले और कर ले कि मैंने करा, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस ने जो काम किया उसको नकार नहीं सकते। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक आदमी एक परिवार पर डिपेंड हो जाओगे तो निश्चित रूप से आप खत्म हो जाएगा, आप निश्चित रूप से खत्म हो जाओगे। हर आदमी अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष गांधी बनेगा या गांधी का मोहरा बनेगा, कोई बात नहीं आप बनाओ, लेकिन जनता आपको नकार रही। आपका इंटरनल मामला है, आपका संविधान है, आप उसको आप बनाते रहिए, लेकिन जनता ने तो आपको नकार दिया, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने लोकदल को दिया, जनता ने कांग्रेस को दिया, जनता ने भाजपा को दिया, जनता ने फिर कांग्रेस को दिया। जनता केवल बदलाव चाहती है, क्योंकि जब तक कंपटीशन की राजनीति नहीं होती है तब तक विकास नहीं होता है। ठीक, किसे देखना चाहते हैं फिर फाइनल बता दीजिए, 24 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे भाई एक ही, हर हर मोदी घर घर, हर हर मोदी एक ही नारा एक ही नाम, भाजपा है तेरा नाम। क्यों क्यों चाहिए? सुनिए, ये जिस चांदनी चौक में आप खड़े हो ना, यहाँ पूरी जगह में कहीं बोर्ड देख लेना, किसी जगह बोर्ड नहीं लगा होगा कि किसी लावारिस वस्तु को ना छुए। आप पूरी चांदनी चौक बाजार के अंदर देख के आ जाइए, कहीं आपको दिख रहा है कि किसी भी अनजान चीज को मत छुए, इसमें बम हो सकता है? कभी स्टेशन पे आप देख रहे हो बोर्ड लगे हुए? नहीं देख रहे हो। दूसरी चीज सुनिए, आपको बता दें कि आज हम तेल आटा भाव के लिए हमने मोदी को नहीं चुना है, हमने जिस काम के लिए मोदी को चुना है वो काम बखूबी हो रहा है। G20 शिखर का सम्मेलन में जाने के बाद आज वो सर्वोपरि नेता मांगे है ना। और आप आम की तुलना कद्दू से नहीं कर सकते हो, आम की तुलना आलू से नहीं कर सकते हो, इसलिए हर व्यक्ति अलग महत्वाकांक्षाएं होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री पद पर बैठने पर। नो डाउट कि कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिया, मैं कांग्रेस की बुराई करने वालों में से नहीं हूं, कांग्रेस ने देश को बलिदान दिया है, उसकी पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं कांग्रेस की, लेकिन बलिदान जो लोगों और ने दिया था ना उसको कांग्रेस ने काले कपड़े से ढक दिया था। सावरकर को उन्होंने क्या बताया था? माफी वीर, ठीक है, जो की गुलामी करते, ठीक है, बोला यही यही कांग्रेसी
यही कांग्रेसी चाहते हैं, तो शहीद जो हमारे तीनों को फांसी दी गई थी ना, जो फांसी का फंदा चूम के गए थे, उनका तो नाम लेने की भी मेरी जुबान की औकात नहीं, वो इतने बड़े और वीर लोग थे। सच्चाई जो है, आज भी कांग्रेस की वजह से वो हमारे यहाँ शहीदों का दर्जा नहीं पाए हैं, आज भी कागजों में वो आतंकवादी ही लिखे हुए हैं। जबकि क्या भगत सिंह आतंकवादी था क्या? नहीं। असली आतंकवादी कौन था? गांधी जी। असली आतंकवादी कौन था? एक आदमी जो बकरी पाल के बकरी का दूध पीता रहा जिंदगी भर, अगर वो चाहता वो अंग्रेजों से मिलने जानते किस में जाता था? बग्घी में बैठ के जाता था। आज वो बकरी की दोरी है ना, वो लगाई हुई है दिल्ली के उधर, और वो जो गले में फांसी लगाई थी ना, वो दोरी किधर भी नहीं दिख रही है। भगत सिंह के गले को चूमने वाला वो फांसी का फंदा आपको किसी म्यूजियम में नहीं मिलेगा, और गांधी की बकरी का फंदा आपको म्यूजियम में मिलेगा। भाई साहब, गांधी अगर मैंने कहा आपने बंटवारा किया, सर्वसम्मति से एक परिवार का भी बंटवारा हो जाता है, लेकिन बंटवारे के बाद अपने दायरे निश्चित हो जाते हैं। तुमने देश के लिए क्या किया? आपने देश के लिए क्या किया? आपने कहा मैं आजादी की लड़ाई लड़ी। ये वही गांधी है जिसने क्या कहा था कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भाई साहब, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहीं पर नहीं है, ये तो गांधी की देन है। आप हमसे कह रहे हो कि हम भाई भाई हैं, हम तो भाई हैं, लेकिन सामने वाला तो हमको भाई माने। जिनको कहा जाता चाचा नेहरू, भाई एक बात बताइए, आप किसके चाचा हो यार? आप जिसके चाचा हो गए एडमिना के पैरों में बैठने वाला हमारा चाचा है क्या? जिसकी सिगरेट पेरिस से आती वो मेरा चाचा है क्या? जिसके कपड़े धुलने पेरिस जाते वो मेरा चाचा है क्या? अरे मेरा चाचा जानते कौन था? भगत सिंह। मेरा चाचा सुखदेव, राजगुरु, है ना। मेरा चाचा था वो चंद्रशेखर आजाद जिसने अपने आप को गोली मारी। अंग्रेजों को ये किसने बताया था कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठा है? क्योंकि पहले उसको खुद बुलाया गया और फिर उसको गोली मरवाई गई। उसने कहा मैं तेरी गोली से ना मरूंगा तो अपनी गोली से। किसे देखना चाहते प्रधानमंत्री 24 में? प्रधानमंत्री केजरीवाल जैसा साफ सुथरा इंसान हो, जो दिल्ली की एक एक जनता, अभी MCT का, ये यहाँ का MCT का चुनाव बताएगा कि केजरीवाल पॉपुलर है कि नहीं। जो यहाँ वोटर भी नहीं है, भाजपा को पिछले विधानसभा में इतना वोट मिला था, उसका जितने इनके सदस्य हुए थे उसका आधा वोट भी नहीं मिला था। यहाँ भाजपा में ऐसे ही लोग घूम रहे हैं जो यहाँ दिल्ली के वोटर नहीं है, भाजपा के पक्ष में। हाँ, यूपी बिहार में कुछ मेंटेलिटी ऐसी है जो लोगों को थिंकिंग का तरीका अलग है जो वहाँ रहेंगे। और आप युवा हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि केजरीवाल 24 में होना चाहिए प्रधानमंत्री, क्या सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। क्यों नहीं होना? बिल्कुल भी नहीं। क्या काम किए हैं उसने, ये तो बताओ क्या काम किए हैं? ऐसा एक भी मेरे को काम गिनवाओ जो वो कहते हैं कि मैंने किया। क्या दिल्ली को लंदन बना दिया, चमका? देखो ना, आज की भाषा लोगों की बदल गई है। लोग कह रहे हैं ना कि लंदन बना दिया, मैं कह रहा हूँ लोगों की भाषा बदल गई है। लोग लंदन की तरह बातें कर रहे हैं, या देखो सब ऐसे बातें कर रहे। ये कितना बड़ा लंदन है आपको दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हम तो हमेशा जिंदगी भर यही चाहेंगे कि यहाँ पे मोदी जी का ही राज हो, बस। क्यों? वो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ मैं, केजरीवाल जी। ईमानदारी तो बताओ सर, मेरे को एक ईमानदारी का काम तो बताओ कौन सा किया। यमुना कितने टाइम से बोलती साफ कर रहे हैं, आज तक नहीं हुई। कांवड़ यात्रा होती है, बैन करवा देते, कांवड़ यात्रा बंद करवा देते भोले के नाम से। जब अरे ये सरकार, हम बेवकूफ़ थे, दिल्ली की जनता जो थी बेवकूफ़ थी जिन्होंने इनको चुना। अन्ना जा रहे सर पर चढ़ के तो ये ऊपर चढ़ गए, ठीक है ना। लोक बिल की बात करी, लोक बिल आज तक नहीं आया। पानी की बात करते हैं, पानी फ्री किसी का भी नहीं आ रहा, कहने की बात है। गंदा पानी आ रहा है, उसको पी भी नहीं सकते आप, नहाने की तो छोड़ दो। शराब फ्री दे दी, छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ दिए। आज की डेट में जिसकी जेब में 100 रुपये तक आए, पापा दारू लेके आए हो आप भी पियो आ जाओ। ये बेकार है जी। ये अगर दारू पिलाने वाला काम कर रहे तो ये देश को चलाने की बात क्यों नहीं करते? देश को नहीं चला रहे, ये नशे में मार रहे हैं। पंजाब में पहले कहते थे जी वहाँ से पोल्यूशन आता है, अब तो तुम्हारी सरकार है, अब क्यों पोल्यूशन आ रहा है? अब क्यों नहीं रोक रहे तुम पराली? सब कहने की बात है सर, ये बेवकूफ़ी है। ये दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब की बार ये नहीं आता। तीसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? पंजाब में सरकार कैसे बना ली? लॉलीपॉप फ्री, हमारे को तो फ्री नहीं चाहिए सर। बंद बिल्कुल बंद, किसी को नहीं देना। केजरीवाल जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर केजरीवाल कुछ फ्री करना चाहते हैं तो वो एक ही चीज़ फ्री करें, जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, जो यहाँ पे रोडों पे सो रहे हैं उनके लिए खाने का प्रबंध किया जाए और उनकी बेटी बहुओं की शादी करवाई जाए। सिर्फ ये फ्री होना चाहिए, उसके अलावा कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। बस हमें फ्री का लालच नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खाना जानते हैं, कमाना जानते हैं, बस। आज अगर मेहनत के लिए घर से निकलेंगे ना तो भगवान भी साथ देगा, अगर नहीं निकलेंगे ना तो घर वाले भी कहेंगे बेटा जा,
लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, 24 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी, नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? बस भाई साहब, गुजरात देखो, काशी विश्वनाथ देखो, महाकालेश्वर देखो, क्या बना दिया उसने, ये कहने की बात है। कोई भी, अब मेरे को बताओ, राम मंदिर की बात हुई थी तो पहले तो केजरीवाल जी खिलाफ थे, केजरीवाल कहते थे नहीं यार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब राम मंदिर बन गया तो फ्री बसें भी याद चला दी इन्होंने, फ्री बसें भी करवा दी इन्होंने कि हम यात्रा में भेज रहे हैं। कौन सी यात्रा में भेज दिया भाई? कोरोना के टाइम पे तुम बुजुर्गों को भेज रहे हो और बीमारियों में लगवा रहे हो उनको। वैसे तुम कहते हो हम कोरोना के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या किया, क्या किया? ऐसा कुछ भी किया तो बताओ मेरे को, कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ लड़ाइयाँ करवाने वाली सरकार है। आज दो भाई अगर चल रहे होंगे तो उनमें कहेंगे ये तेरे में खाट खाता है भाई, ये वो सरकार है। ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते हैं भाई। आज की डेट में भी तो सारे साथ ही चल रहे हैं, कौन मुस्लिम मुसलमान नहीं साथ में खड़ा भाई? मैं कहता हूँ ये मुसलमान नहीं, ये खड़े हैं। ये सब कहने की बात है सर। दिवाली पे हो गया बैन कर दिए बम, दुशहरे पे बम बैन कर दिए। ये हिंदुओं का त्यौहार है भाई साहब, इसमें ये मुसलमान भी मनाता है, हिंदू भी मनाता है, सिख भी मनाता है, ईसाई भी मनाता है। ये दिवाली एक सबका त्यौहार है, उसमें आकर तुम बम बैन कर देते हो। ठीक, आऊँगा एक मिनट।